हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपको टॉर्क निकालनी है जब डाइपोल कहाँ प्लेस हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर है इतनी बात? या हम इसको कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि डाइपोल को प्लेस करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा, तो यानी कि वहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होगी। तो वो देखते हैं कि क्या है ये टॉर्क। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं हम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, देखो मान लो ये यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, और इधर मान लो ये क्या है नेगेटिव चार्जेस, इस तरीके से। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं, इस तरीके से बना सकते हैं हम। समझ रहे हो, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है हर जगह, तो वो कैसा होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, अब यहाँ पर हमें क्या करनी है, एक डाइपोल प्लेस करनी है। मान लो मैं ये एक डाइपोल प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मान लो ये है हमारे पास माइनस क्यू और ये है एक प्लस क्यू, यही होती है माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इनको नाम देते हैं हम यहाँ पर, ये ए है और ये क्या है बी। क्लियर, ए और बी पॉइंट है जिस पर माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की जो लेंथ है वो कितनी है 2L लेंथ है, और ये जो डाइपोल है मैंने कैसे प्लेस करी है एट एंगल थीटा, ये देखो थीटा एंगल पे प्लेस करी है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है और ये रही डाइपोल, तो ये कितना एंगल पे मैंने प्लेस किया, थीटा एंगल पे डाइपोल को प्लेस कर दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या इतनी बात क्लियर है? तो आप इसको कैसे लिखोगे, लेट ए बी इज एन डाइपोल लिख सकते हो आप ये चीज़, उसके बाद हैविंग डाइपोल लेंथ कितनी है 2L, और लेट ई मान लो क्या है इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो क्या है यू ई क्या है इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने डाइपोल को कितने एंगल पे इंक्लाइन किया है, थीटा एंगल पे इंक्लाइन किया है विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो अब अगर आपने ये देखो जरा, ये डाइपोल प्लेस करी है ए बी वाली जो डाइपोल है जिसकी लेंथ कितनी है 2L, ये प्लस क्यू चार्ज है और इधर क्या पड़े हैं ये माइनस, तो ये प्लस क्यू किस साइड जाएगा, इस पे फोर्स कैसी लग रही होगी, इस साइड माइनस की तरफ, इस तरीके से यही हो रहा होगा। ठीक है, इसको मान लो F1, ठीक है, और ये माइनस क्यू पड़ा है और ये क्या है प्लस, तो ये कैसे होगा बताओ, इस साइड जाएगी ये फोर्स, इधर जाएगी, इसको नाम दे दो F2। कितनी बात क्लियर है? F1 और F2 आपके पास क्या आई हैं, दो फोर्सेस आ गई। ठीक है, F1 किधर जा रही है माइनस की तरफ और ये F2 किधर जा रही है प्लस की तरफ, ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको पता है, नेगेटिव चार्ज प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स कौन सी आई है F1 और F2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ, क्लियर कट है इतनी बात? ठीक है, अब देखो जरा एक चीज़, यहाँ पर F1 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, F1 की वैल्यू किसकी वजह से है बताओ जरा, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू पे कौन सी फोर्स लग रही है F1, F1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, Q चार्ज है मल्टीप्लाई बाय E, कहाँ से आई ये वैल्यू, देखो E की वैल्यू क्या होती थी आपके पास F अपॉन में Q, याद है कुछ ऐसा, F बाय Q नोट करते थे हम वहाँ पर, F बाय Q लिख दिया मैंने ये, ठीक है Q नोट या Q यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से F की वैल्यू क्या होगी Q E होगी, बात समझ रहे हो, और F1 है तो यहाँ F1 आ गया और ये Q E हो गया। अब कहीं सोच रहे होंगे कि ये प्लस में होगा और दूसरे वाले में माइनस लगाएंगे, देखो है तो ये प्लस माइनस में, लेकिन ये आपको पता है ये चार्जेस किस में रखते हैं, मोड में रखते हैं, इनके साइन तो नहीं लेते हम कभी भी, वो वाली बात है ये। ठीक है, तो F1 इतनी हो गई, अब देखो दूसरी क्या निकलेगी हमारे पास, फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू पे कौन सी फोर्स लग रही है बताओ F2, और F2 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है इसमें E, तो Q E ही लगेगी, अब यहाँ माइनस नहीं आएगा वो मैंने बताया अभी, क्या है ये मोड में होता है। कितनी बात क्लियर है या नहीं? अब नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स देखो एक फोर्स इधर जा रही है और एक फोर्स इधर जा रही है, तो ये क्या होगा बताओ, किस में से क्या माइनस करें, कुछ नहीं हमें पता कि क्या माइनस करें, समझ रहे हो, क्योंकि ये दो अपोजिट फोर्सेज हैं तो आपस में क्या होने वाली हैं, माइनस होने वाली हैं। ठीक है, तो मैं किसी भी तरीके से लिख सकता हूँ इसको या नहीं लिख सकता बताओ, बताओ लिख सकता हूँ ना, तो देखो जरा नेट फोर्स F क्या आएगी हमारे पास, F1 माइनस F2 कर दूँ या F2 माइनस F1 कर दूँ, क्यों सोचो, देखो F1 करूँ माइनस F2 करूँ, तो F1 में से F2 माइनस कर रहा हूँ, या मैं यहाँ लिख सकता था F2 में से F1 माइनस करूँ, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कौन सी ग्रेटर फोर्स है। ठीक है ना बात, तो मैं तो वैल्यूज पुट करता हूँ, F1 की वैल्यू कितनी है QE और F2 की भी वैल्यू कितनी है QE, और ये कितना हो गया जीरो, तो नेट फोर्स कितनी आ गई जीरो आ गई। अच्छा, इसको एक तरीके से और आप कर सकते हो यहाँ पर फोर्स के लिए, देखो अगर हमें पता है कि नेट ट्रांसलेटरी फोर्स या नेट फोर्स क्या होती है हमारे पास F1 प्लस F2 होने वाली है, लेकिन यहाँ पर देखो जरा F1 किसके इक्वल है, अगर हम यहाँ देखें
एफ वन जो है वो माइनस एफ टू के इक्वल है, क्योंकि दोनों फोर्सेज में कितना वो लग रहा है, ये भी क्यू ई और ये भी क्यू ई, समझ रहे हो, ये तो बराबर फोर्सेज थी, मतलब इसमें तो ग्रेटर वाली कोई बात ही नहीं है, दोनों फोर्सेज कैसी हैं, इक्वल है। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, एफ वन प्लस एफ टू, क्लियर। और यहाँ एफ वन इक्वल टू माइनस एफ टू, क्योंकि ये फोर्सेज कैसी हैं, इक्वल हैं, और कैसा साइन आएगा इसमें माइनस का, क्योंकि ये फोर्सेज कैसी हैं, अपोजिट भी हैं एक दूसरे के, तो माइनस एफ टू, क्लियर है, इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, तो अपोजिट के लिए साइन लगाया मैंने माइनस का। अब देखो क्या मैं एफ वन की जगह, यहाँ पर एफ वन की जगह माइनस एफ टू रख सकता हूँ क्या, और ये क्या है, प्लस का एफ टू, बताओ, एफ टू माइनस का रख दिया, क्योंकि यहाँ से एफ वन की वैल्यू माइनस एफ टू थी, और ये प्लस का एफ टू ही रखा हमने। अब चाहे तो ये यहीं कट करके जीरो कर सकते हो, क्योंकि एफ टू एफ टू ही है, या फिर इनकी वैल्यू रख दो, ये माइनस साइन है यहाँ पर, और ये क्यू ई आएगी इसकी वैल्यू, और इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, क्यू ई, और ये क्या कर रहे हैं, कट रहे हैं, और जीरो ही आ रही है। तो ये समझने की बात है, चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि हमें नॉर्मल पता है फोर्सेस हमेशा क्या होते हैं, वेक्टर सम इनके ऐड होते हैं, तो एफ वन प्लस एफ टू ही होने वाला है, लेकिन यहाँ से मुझे पता चला एफ वन की इसके एक वजह है माइनस एफ टू के, तो यहाँ माइनस एफ टू रख दिया, और ये प्लस एफ टू। या फिर ऐसे ही समझ सकते थे इसको कि दो फोर्सेज हैं, कैसी हैं, अपोजिट हैं, तो क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन किस में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि ये तो दोनों ही बराबर हैं, तो इसका मतलब मैं किसी को भी रख सकता था, एफ वन माइनस एफ टू किया, वैल्यूज पुट करी, और कितना आया आंसर, जीरो है। अब यहाँ से आपको एक बार पता चली कि जो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स है वो क्या है, जीरो, नेट फोर्स कितनी है, जीरो है। अब नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन क्या इसमें डाइपोल में कुछ होगा, अभी होगा, देखो कैसे, जब भी नेट फोर्स जीरो आ जाए, और ये फोर्सेस देखो आपस में क्या हैं, इक्वल थी, देखो कंडीशंस सुनना, इक्वल हैं, और क्या अनलाइक फोर्सेस भी हैं, अनलाइक कैसी हैं, एफ वन इधर जा रहा है, एफ टू इधर जा रहा है, अपोजिट है, मतलब तो ये कैसी हैं, अनलाइक फोर्सेस हैं। दूसरा, पैरेलल भी हैं क्या ये आपस में, पैरेलल हैं, देख लो जरा, ये एफ वन इधर जा रही है, और ये किधर जा रही है, इधर जा रही है, कैसी हो गई हैं, पैरेलल, पैरेलल भी कह सकते हो इनको, एंटी पैरेलल भी बोल सकते हो, फिर आप इसमें अनलाइक मत लगाना, तो मैं इसमें बोल सकता हूँ क्या है ये फोर्सेस, इक्वल हैं और एंटी पैरेलल हैं, तो क्या करेंगी ये, टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं, समझ रहे हो ये बात, टॉर्क का मतलब समझो क्या होता है, टॉर्क का मतलब होता है कि ये इसको घुमा देंगी, मतलब इसको रोटेट करवा देंगी, देखो एफ वन इधर लग रहा है और एफ टू इधर लग रहा है, तो आप खुद सोचो ये एक पेन है, जैसे मान लो ये डाइपोल है आपके पास, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रही है इसमें और एक फोर्स इधर लग रही है, तो ये क्या होगा, वैसे जाएगा, क्योंकि इधर वाली फोर्स इधर लगी हुई है, तो ये इधर जाएगा, और ये वाली फोर्स इधर लगी हुई है, तो ये ऐसे जाएगा, तो मतलब इधर रोटेट होना शुरू हो जाएगा, तो ये इसी को ही बोलते हैं हम टॉर्क। तो कंडीशन दोबारा सुन लो इसकी, कि दो इक्वल फोर्सेज हों और अनलाइक हों, अनलाइक मतलब अपोजिट हों और पैरेलल हों, तो हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और मेन कंडीशन क्या है, कि दोनों डिफरेंट पॉइंट पे होना चाहिए, एक ही पॉइंट पे नहीं, दो डिफरेंट पॉइंट पे ये काम हो रहा है बॉडी के या ऑब्जेक्ट के, समझ रहे हो, यहाँ तो डाइपोल है, मैं तो एक जनरल आपको बात बता रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स पे उसके इक्वल फोर्स लगे, अनलाइक लगे और पैरेलल लगे, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला है। जैसे यहाँ पर भी है, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि या तो इसको बोल दूं मैं कि इक्वल फोर्सेस हैं और क्या लिख सकता हूँ, एंटी पैरेलल हैं, तो फॉर्म क्या करेंगी, टॉर्क, या ऐसे कह दो इक्वल फोर्सेस हैं, अनलाइक फोर्सेस हैं और पैरेलल हैं। जब मैं अनलाइक फोर्सेस लगा दूंगा तो फिर इनको पैरेलल बोलूंगा, क्योंकि अनलाइक इसलिए बोला कि अपोजिट है, ठीक है, और फिर पैरेलल लगाऊंगा कि ये क्या है, पैरेलल, वैसे तो पैरेलल ही है देखो फोर्सेस, इस वजह से, ठीक है। और या फिर मैंने आपको क्या बताया, बोल दो इक्वल फोर्सेस हैं और कैसी हैं, एंटी पैरेलल हैं, तो क्या फॉर्म करेंगी, टॉर्क फॉर्म करेंगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो, नाउ व्हेन टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी ऑन टू डिफरेंट पॉइंट देन इट फॉर्म टॉर्क। क्या फॉर्म कर देगी वो, टॉर्क फॉर्म कर देगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो, बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल सी बात थी। ये फोर्सेज इधर कैसे आई, इधर कैसे आई, ये आपको पता है क्योंकि एक डाइपोल थी, डाइपोल में एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 12, और हमने कितने एंगल पे इसको प्लेस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे हमने इसको प्लेस किया था, तो माइनस क्यू था, माइनस क्यू प्लस की तरफ जाएगा, इसकी तरफ इधर फोर्स लगेगी, तो इसको मैंने इधर कराया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्लस क्यू है, ये किधर जाएगा, इधर, क्योंकि फोर्स इधर लगेगी, क्योंकि माइनस चार्ज इधर पड़ा है, तो इसका मतलब एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, और हमने सब देखा तो नेट फोर्स कितनी आई, जीरो आई हमारे पास, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या हो रही थी, कि दो इक्वल थी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस थी, और दो डिफरेंट पॉइंट पे लग रही थी, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, टॉर्क फॉर्म होगी। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टॉर्क को हम ऐसे लिखते हैं टाउ से, ये टाउ ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो आइदर फोर्स मतलब या तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ F1 या F2, चलो मैं F1 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इन दो फोर्सेज के बीच में, देखो जरा, अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ तो यही होगा इन दो बीच,
अब जैसे ये यहाँ फोर्स ऐसे लग रही है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँ यहाँ तक मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, अगर इस पॉइंट को ऐसे बढ़ाऊँ ऐसे, और ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ एन, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला जिसको मैंने नाम दिया बी एन, समझ रहे हो ये बात। तो इस फोर्स के बीच में और इस फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बना, बी एन, तो मैं इसको लिखूंगा बी एन। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? अब बड़ा सिंपल है, अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, देखो F1 की वैल्यू तो मुझे पता है क्यू ई है, तो क्यू ई लिख दी मैंने, लेकिन बी एन की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मैं बी एन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो कैसे निकाल सकता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा भी है यहाँ पर, तो यानी कि ये बी एन की वैल्यू निकल सकती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो मेरे पास लेकिन हाइपोटनिस है, ये है 2L, हाइपोटनिस गिवन है, और ये क्या है, एक परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है और हाइपोटनिस है, तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है इसके अंदर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटनिस किसके इक्वल होता है, ये साइन थीटा के इक्वल, ये तो पता है ना तुम्हें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला याद है, ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टैन होता है, इतना ही समझो अभी। तो साइन क्या होता है, पी बाय एच, कोस होता है बी बाय एच, टैन होता है पी बाय बी। अब इन तीनों में से देख लो जरा फायदेमंद कौन सा है हमारे लिए, पी बाय एच, क्योंकि एच मुझे पता है और पी हमें निकालना है, तो साइन वाला ही लगने वाला है इसमें, कोस तो नहीं लग सकता क्योंकि इसमें तो बी आ रहा है, बेस बेस तो मुझे नहीं चाहिए। ओके इतनी बात, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ये हमारे पास ए एन बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें देखो जरा आपके पास साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, पी कितना है हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर बी एन, और एच कितना है 2L। तो देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये 2L साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, 2L साइन थीटा दिख रहा है ये, बी एल बी एन सॉरी बी एन इक्वल टू कितना आया 2L साइन थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है तो बताओ, क्लियर है, ठीक है। अब देखो जरा इतनी बात अगर आपको क्लियर हो रही है तो बस ये वाली वैल्यूज हम पुट करें जरा यहाँ पर इसमें, अगर इसको मैं लिख भी दूँ यहाँ पर, मान लो ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, तो पुट सेकंड इन फर्स्ट लिख सकता हूँ कि नहीं, तो यही लिखते हैं हम यहाँ, देखो पुट सेकंड इन फर्स्ट क्या जाएगा हमारे पास, सेकंड को फर्स्ट में पुट करेंगे तो टाओ इज इक्वल टू में, देखो इधर फर्स्ट कौन सी है हमारे पास, ये वाली है, बी एन की वैल्यू कितनी रख दूँ, 2L साइन थीटा लिख दूँ यहाँ पर, तो क्या इतना आएगा क्यू ई इंटू में 2L साइन थीटा, बी एन की वैल्यू आ गई 2L साइन थीटा, क्लियर है इतनी बात। अब ये क्यू इंटू में 2L आपको पता है क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होती है, और ई एज इट इज़, और ये साइन थीटा, समझ रहे हो ये बात, कहाँ से आया, पी की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होती है, डाइपोल लेंथ 2L है और ये चार्ज, ये क्या होती है डाइपोल मूवमेंट, तो मैंने पी रख दिया उसकी जगह, ठीक है। अब याद करो थोड़ा सा प्लस वन का, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट होता था आपके पास, क्या होता था, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, तो याद करो अगर वहाँ पर अगर आपको याद हो, ए बी अगर होता था कोस थीटा, ठीक है, तो ये होता था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, यहाँ लग जाता था ए डॉट बी वेक्टर ऐसे, और अगर होता था ए बी साइन थीटा तो क्रॉस प्रोडक्ट बन जाता था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा कुछ याद है, तो वही चीज़ यहाँ करेंगे। अब यहाँ साइन थीटा में और ये क्या है, पी और ई है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर पी क्रॉस ई टाओ की वैल्यू आ जाएगी, एक तो ये वाली वैल्यू है हमारे पास पी ई साइन थीटा, और एक कौन सी आ गई मेरे पास पी क्रॉस ई, क्या इतनी बात क्लियर है कि कैसे आई है, बताओ इतने ओके है, ठीक है। अब इसके हम स्पेशल केस करते हैं, देखो स्पेशल केस में सबसे पहले हम करते हैं कि इफ डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो टॉर्क कितनी लगेगी, वो चीज़ देखनी है हमें, ठीक है। अब आप खुद सोचो जरा, जैसे ये था हमारे पास डायग्राम, इसमें तो ये थीटा एंगल पे था, ठीक है, और मुझे क्या करना है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे करेंगे, देखो जरा इसको मैं यहाँ पर अगर बना के दिखाऊँ आपको, ये ऐसे है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी इस तरीके से, ठीक है, और ये डाइपोल है मान लो माइनस क्यू और ये रही प्लस क्यू, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है माइनस से पॉजिटिव, और इनकी क्या होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मुझे पैरेलल रखनी है, पैरेलल कैसे होगी, देखो ये इधर जा रही है और ये वाली इधर जा रही है, तो ये पैरेलल बनेगी इसके लिए, तो यानी कि इसको मैं ऐसे प्लेस्ड करूँ यहाँ, यहाँ पर कहीं, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू ऐसे, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट और इनके बीच की दूरी कितनी है 2L, मैं ऐसे प्लेस करूँगा तभी ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है, तो यानी कि क्या है ये इसके साथ पैरेलल है, दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी देख लो आप, बात समझ रहे हो, इधर डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी इसी साइड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इसी साइड है, तो ये हो गए पैरेलल का केस। तो इनके बीच में अब थीटा कितना है, जैसे यहाँ पर था हमारे पास ये थीटा था ना, अब ये जैसे ये मान लो आप जैसे ये है, ये ऐसे पड़ी थी डाइपोल ऐसे, अब ये कैसे आ गई ऐसे आ गई, तो थीटा कितना हो गया जीरो हो गया ना इन लाइंस के साथ, तो थीटा कितना हो गया जीरो, बात समझ रहे हो, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि थीटा कितना है जीरो है, क्लियर है बात या नहीं,
तो थीटा जीरो, तो वैल्यू पुट करनी है, टाउ की वैल्यू कितनी है आपके पास, पी ई साइन थीटा या नहीं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर दैट इज थीटा कितना है जीरो, तो टॉर्क कितनी आएगी आपके पास बताओ, पी ई साइन थीटा और साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है जीरो होता है, तो यानी कि टॉर्क आ गई जीरो। और वैसे भी आप खुद समझो, ये माइनस इसकी तरफ जाएगा इस तरीके से और ये प्लस वाला इसकी तरफ, तो ये घूमेगी कहाँ, कहीं नहीं घूमेगी, तो टॉर्क क्या है जीरो। टॉर्क का मतलब समझते रोटेटरी पार्ट, जैसे साइकिल है ठीक है, एक साइकिल को आप स्टैंड पे खड़ा करो और उसके पैडल को घुमाओ, तो पिछले वाला जो व्हील है वो घूमेगा, वो जो व्हील घूम रहा है वो किसकी वजह से घूम रहा है, टॉर्क की वजह से घूम रहा है, समझ लो टॉर्क लगती है, फोर्स नहीं हम कह सकते, क्या बोलते हैं उसको, टॉर्क लग रही है उसमें तब वो घूम रहा है। कोई भी रोटेटरी पार्ट है तो उसमें हम क्या बोलते हैं, फोर्स नहीं लगती, क्या लगती है, टॉर्क लगती है। कभी आपने देखा होगा जैसे गाड़ियों वगैरह की जब स्पेसिफिकेशंस देते हैं टीवी में, तो आप देखना उसमें कहते हैं टॉर्क प्रोड्यूस इतनी है इसके अंदर, ये वो क्या है उसका टॉर्क प्रोड्यूस मतलब क्या है, क्योंकि जितनी ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगी उतनी तेज चलेगा टायर, उतनी स्पीड ज़्यादा होती है उसमें, बात समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में यही बात थी कि जो भी चीज़ घूमती है उसमें क्या होती है, टॉर्क होती है। तो यहाँ पर ये ऐसे पड़ा है, तो ये इसमें ये क्या घूमेगा, नहीं घूमेगा, तो टॉर्क क्या है जीरो है, बात समझ रहे हो। ऐसे ही सेकंड केस, अगर इफ डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा। एंटी पैरेलल कैसे, देखो एंटी पैरेलल कैसे हो सकता है, देखो मैं यहाँ बनाता हूँ ये चीज़, देखो मान लो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है, ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखो डाइपोल मुझे पता है ये डायरेक्शन है इसकी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, तो मेरे को इसको पलट के रखना पड़ेगा, तो यानी कि प्लस क्यू इधर और माइनस क्यू इधर, तभी तो इसकी डायरेक्शन ऐसे बनेगी। और ये एंटी पैरेलल हुआ, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो एंटी पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो मतलब क्या, जैसे एक चीज़ इधर जा रही है और एक चीज़ इधर जा रही है, कितना एंगल होगा इनमें, 180 डिग्री, कितना एंगल होता है 180 डिग्री का, तो दैट इज थीटा कितना हो गया 180, तो टॉर्क क्या हो जाएगी पी ई साइन 180, और 180 कितना होता है, साइन 180 कितना होता है, ये भी जीरो होता है, तो इसमें भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ देखो, हमारे पास एक टर्म आती है इक्विलिब्रियम, ये वाला जो ऊपर वाला केस किया था ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, और ये कौन सा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप कहोगे ये क्या होता है इक्विलिब्रियम, देखो एक चीज़ ध्यान से, ये स्टेबल क्यों है, देखो ये माइनस वाला इधर पड़ा है और ये प्लस वाला इधर पड़ा है, डाइपोल वाला माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और इधर प्लस है और इधर माइनस है, ये माइनस इसकी तरफ जाएगा और ये प्लस इसकी तरफ जाएगा, तो मतलब क्या है, ये यहाँ स्टेबल पड़े हुए हैं, स्टेबल क्यों पड़े हैं, बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन है इनकी, माइनस इसकी तरफ और प्लस इसकी तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर अट्रैक्ट कर रहा है इधर अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से हिल नहीं सकती चीज़ या नहीं, और बड़ा नॉर्मल कंफर्टेबल पड़ा है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम का है। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इस वाले प्लस को रिपेल करेगा, और ये माइनस क्यू को ये वाला माइनस रिपेल करेगा, तो ये ऐसे रिपेल होंगे तो ये अपनी अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, देखो ना ऐसे कोई प्रेशर पड़ रहा है इनके ऊपर इस तरीके वाला। अब आप कहोगे नहीं ऊपर भी तो पड़ रहा है, फिर ऐसे खींच रहे हैं, नहीं ये तो एक नॉर्मल बात हो गई ना कि ये इसकी तरफ है ये इसकी तरफ है, तो बढ़िया तरीके से पड़े रहेंगे ये, ठीक है, इनको कोई हरियाणा नहीं रहा, नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस पर प्रेशर ऐसे ऐसे दबाव डाल रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला इसको और ये वाला इसको, तो ये वाली कंडीशन क्या होती है हमारे पास जब ये इसको रिपेल करते हैं, तो ये कंडीशन कौन सी होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, बात समझ रहे हो, ये कंडीशन कौन सी है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और दोनों ही केस में टॉर्क जीरो है, घूमेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये अनस्टेबल में पड़ा हुआ है और ये स्टेबल स्टेट में है इसकी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास थर्ड आता है कि इफ डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा। तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि थीटा कितना है 90 डिग्री, कैसे कह रहे हैं, ये देखो ये जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, और ये प्लस ये माइनस, ठीक है, परपेंडिकुलर ऐसे ही पड़ी होगी, ये मान लो माइनस क्यू और ये मान लो प्लस क्यू, तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा कितना है 90, तो समझ रहे हो, तो कितना आ जाएगा टॉर्क पी ई साइन 90, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो ये कितना आ गया पी ई, तो यानी कि मैक्सिमम टॉर्क किस केस में है, जब आप डाइपोल को परपेंडिकुलर रखोगे। वैसे भी आप सोचो जरा, ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये ऐसे पड़ी है डाइपोल, ठीक है, इसमें इधर एक फोर्स लगेगी और एक नीचे से फोर्स लगेगी, तो ये अपने आप ही ऐसे नॉर्मल हो जाएगा, समझ रहे हो, ये ऐसे है ना, एक फोर्स इधर लग रही है एक इधर लग रही है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर के केस में बड़े आराम से घूम जाएगा, तो यही तो चीज़ है, ये क्या है बताओ क्या है, मैक्सिमम टॉर्क का केस है ये, कितना होगा इसमें मैक्सिमम टॉर्क होगा, बात समझ रहे हो या नहीं, क्लियर। ये कहाँ जाएगा, देखो ये माइनस क्यों कहाँ जाएगा प्लस की तरफ, और ये प्लस क्यों कहाँ जाएगा माइनस की तरफ, यही होगा और क्या होगा, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है।
तो ये बहुत ही सिंपल से हैं वैसे तो डेरिवेशन, लेकिन थोड़ा सा समझ के करो, थोड़ा सा ध्यान से करो तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे आपके कुछ, ठीक है? ओके जी, थैंक यू।